नमस्कार, विभिन्न समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। कांग्रेस का लोकतंत्र बचाओ मार्च, सोनिया, मनमोहन, राहुल हिरासत में। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह तथा पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी को लोकतंत्र बचाओ मार्च के बाद शुक्रवार को यहां संसद मार्ग स्थित थाने में हिरासत में लिया गया। हालांकि बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच यहां जंतर मंतर पर आयोजित विशाल रैली को संबोधित करते हुए सोनिया के नेतृत्व में पार्टी नेताओं ने संसद घेराव के लिए मार्च किया, लेकिन उन्हें संसद मार्ग स्थित थाने में हिरासत में लेने के बाद रिहा कर दिया गया। अगस्ता वेस्टलैंड मामले में केंद्र सरकार और सीबीआई को नोटिस। उच्चतम न्यायालय ने अगस्ता वेस्टलैंड मामले की जांच एसआईटी से कराने संबंधी याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार और सीबीआई को शुक्रवार को नोटिस जारी करके इस संबंध में 4 सप्ताह में जवाब देने के लिए कहा। न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने दिल्ली के वकील मनोहर लाल शर्मा की याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र और सीबीआई को यह निर्देश दिए। शर्मा ने अपनी याचिका में उन लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने की भी मांग की है जिनके नाम इटली की अदालत ने अपने फैसले में लिए हैं। याचिकाकर्ता ने मामले की जांच एक अदालत की निगरानी में कराने की भी मांग की। उत्तराखंड में 10 मई को होगा शक्ति परीक्षण, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश। उच्चतम न्यायालय ने उत्तराखंड विधानसभा में 10 मई को शक्ति परीक्षण कराने को शुक्रवार को मंजूरी दे दी। न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति शिव कीर्ति सिंह की खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा कि उत्तराखंड विधानसभा मंगलवार शक्ति परीक्षण कराए। शीर्ष अदालत ने कहा कि शक्ति परीक्षण के दौरान पक्ष और विपक्ष के सांसद अलग अलग बैठे तथा प्रस्ताव पर हाथ उठाकर वोट करें। इससे पहले शीर्ष न्यायालय ने अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी से केंद्र सरकार से सुझाव लेने को कहा था कि क्या विधानसभा में शक्ति परीक्षण कराया जा सकता है। रिपब्लिकन पार्टी में डोनाल्ड ट्रंप का विरोध शुरू। रिपब्लिकन पार्टी के चोटी के निर्वाचित नेता पॉल रयान ने पार्टी का राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी बनने की होड़ में आगे बढ़ चुके डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन करने से इनकार कर विद्रोह का बिगुल बजा दिया है। उनका कहना है कि उनके लिए ट्रंप का समर्थन करना मुश्किल होगा। रयान अमेरिका की प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष हैं। दूसरी ओर अमेरिका के 2 राष्ट्रपति देने वाला बुश परिवार इस बार राष्ट्रपति के चुनाव में चुप रहेगा। यह संकेत सीनियर बुश तथा जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने गुरुवार को अपने प्रवक्ताओं के माध्यम से दिया। टेक्सास ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार सीनियर बुश इस बार प्रचार से बाहर रहेंगे। उनका डोनाल्ड ट्रंप को समर्थन देने का कोई विचार नहीं है। हेलीकॉप्टर घोटाले में सोनिया गांधी को मिला सबसे ज्यादा पैसा, सुब्रमण्यम स्वामी का आरोप। अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले में भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी पर सीधे आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें सबसे ज्यादा पैसा मिला है, उन्हें सजा मिलनी चाहिए। एक टीवी चैनल से बात करते हुए स्वामी ने कहा कि अगस्ता घोटाला सीधे सोनिया गांधी से जुड़ा है। उन्होंने कहा कि सीबीआई को सोनिया से पूछताछ करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अहमद पटेल को भी हेलीकॉप्टर घोटाले में पैसा मिला है। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।